So hello friend. Uh, in this video, you will see how to design a steel model. The complete process I will explain one by one. So no need to watch more and more video. This single video is enough to learn your start pro knowledge, start pro steel structure knowledge. I will explain all the steps. If you are doing the freelancing work or any company, easily you can able to design any type of steel structure. Guaranteed by seeing this video. So without skipping. You can see this video. Another one thing, I will make the AutoCAD drawing also. According to the start result, I will make AutoCAD steel structure drawing. And the AutoCAD steel structure drawing and start profile, I will upload. Go to my description uh, and easily you can download that one. So please uh, have a look and please like and subscribe my channel. Let's start. ये आपका एक ट्रस डिजाइन है ये एक आपका ट्रस है स्टील का मॉडल है तो ये पिक्चर में नेट से लिया था ऐसे एक रैंडमली लिया था तो यहाँ पे कुछ मेंबर है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं जैसे कि ये जो आपका वर्टिकल मेंबर है ये तो आपको पता होगा ये आपका कॉलम होता है वो आर का भी हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है ये डिपेंड करता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके बाद ये जो आपका नीचे जो ये मेम्बर दिख रहा है दिस वन ये जो हॉरिजेंटली जो मेंबर दिख रहा है इसको बोलते हैं टाई बीम जो कि ये वन कॉलम टू सेकेंड कॉलम में आपका इंटर कनेक्शन होता है तो इसको बोलते हैं टाई बीम जो कि मेन मेंबर है लोड को कैरी करता है उसके बाद सेकेंड हो गया ये जो आपको दिख रहा है ऐसे इंक्लाइन ऊपर वाला फ्लाट में जो आपका ये इंक्लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं आपका राप्टर ये भी वन टाइप का मेन मेंबर है राप्टर के ऊपर जो आपका ये जो ऐसा कुछ मेंबर यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है ये जो मेंबर दिख जा रहा है ये ऊपर से पूरा कंटिन्यूस जा रहा है इसको बोलते हैं आपका पर्लिन पर्लिन के ऊपर आपका होता है स्टील का सीट होता है तो इतना आपका नॉर्मली आपका कंपोनेंट है आपका और ये जो आपका इंक्लाइन सारे मेंबर दिख रहा है इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेंबर जो कि आपका ये जो राफ्टर और ये जो आपका टाइबिंग है उसके बीच में आपका कनेक्शन प्रोवाइड होता है ताकि इट विल गिव द स्टेबिलिटी फॉर द मैन मेंबर मैन मेम्बर मीन्स योर राफ्टर एंड योर टाइपिंग तो दिस वॉर इज योर सेकेंडरी मेम्बर तो इसको हम कम्प्लीटली हम डिजाइन करेंगे तो so, मेरे पास एक प्लान है ये भी एक रियल प्रोजेक्ट है जो कि मेरा यहाँ पर साइजेस है सेवेंटी सेवन फीट और यहाँ पर है आपका फोटी फोर फीट उसके अंदर यहाँ पे आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नंबर ऑफ़ लेयर ऑफ आपका कॉलम है मीन सिक्स नंबर ऑफ यहाँ पे आपका ट्रसेस होगा जैसे कि आपका ये एक ट्रस हो गया उसके बाद यहाँ पे एक ट्रस ऐसा यहाँ पे अगर और एक पिक्चर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तो ये ये देखिए ये एक ट्रस हो गया ये एक ट्रस हो गया ये एक ट्रस होगा हो और उसके बाद ये नीचे उसका कॉलम है तो उसी टाइप का यहाँ पे तो टोटल सिक्स नंबर ऑफ लेयर ऑफ कॉलम है तो सिक्स नंबर ऑफ ट्रसेस यहाँ पे होगा तो इसको हम स्टार्ट में ड्रॉ करेंगे और एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर को स्टील स्ट्रक्चर को स्टार्ट प्रो में या ऑटो ऑटोकड में ड्राफ्टिंग करेंगे तो एनश्योर आप उसको मिलीमीटर या मीटर में कीजिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो मिलीमीटर में कीजिए क्योंकि उसका जो सेक्शन वगैरह होता है वो मिलीमीटर में होता है सपोज आई एम गोइंग टू कंसिडर वन कॉलम विल बी आई एस एम बी थ्री हंड्रेड दैट मीन्स थ्री हंड्रेड एम एम सो आप मिलीमीटर में करेंगे तो वो बेटर होगा अभी मैं डायरेक्टली स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ तो मेरे पास है स्टार्ट प्रो कनेक्ट एडिशन वर्सन तो यहाँ पे मैं उसको ओपन कर लिया इसको मैं कंटिन्यू कर दिया ये होने के बाद यहाँ पे मैं न्यू ऑप्शन को क्लिक करूँगा यहाँ पे उसका मैं नेम प्रोवाइड कर दूँगा जो कि यहाँ पे हो गया स्टील स्टील स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं लिख दिया स्टील स्ट्रक्चर उसके बाद यहाँ पे मैं ब्राउज करके यहाँ पर वेयरहाउस के अंदर और एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर दिया न्यू फोल्डर वन करके वन ऑनली उसके बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट फोल्डर कर दिया उसके बाद इसको आप मेट्रिक में रखना मेट्रिक होने के बाद यहाँ पर कॉन्फिग्रेशन में जाके चेक कीजिए वो मेट्रिक सिलेक्शन होना चाहिए मेट्रिक मीन्स योर मीटर मिली मीटर ओके कीजिए ओके होने के बाद यहाँ पर सिंपली आप क्रिएट ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आप यस yes कीजिएगा येस yes होने के बाद ये देखिए आपका ये मीटर में आ गया लेकिन मुझे मिली मीटर में चाहिए तो यहाँ पे आप ज्योमेट्री में जाइए ये यूनिट ऑप्शन को सिलेक्शन कीजिए यहाँ पे आप मिलीमीटर के साथ न्यूटन एफ्लाइ एक वीडियो एन ऑफ है ऑल टाइप ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लिए तो इस प्रोसेस सेम होगा ओनली आपका मॉडल चेंज हो सकता है तो देखिए कैसे करेंगे तो अभी ये जो आपका वर्क फ्लो पैनल है उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं ये अभी मुझे नेसेसरी नहीं है आगे जब नेसेसरी होगा तो मैं उसको फिर ऑनहाइट कर लूँगा उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको मैं एक जो मेरा टोटल विंडो इसको मैं टू पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि वन पार्ट में मैं ऑटो कैड का वो जो साइजेस वगैरह है उसको मैं मुझे यहाँ पे चेक करना है जैसे कि यहाँ पे मुझे एक ट्रस बनना है ये वाला बनाने के बाद बाद में उसको मैं कॉपी कर सकता हूँ तो इसको मैं बनाऊँगा तो यहाँ पर डायमिशन फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री जीरो फाइव तो मैं सारे को सेम ही ले जाता हूँ अभी के लिए फोर थ्री फोर थ्री ले जाता हूँ तो अभी क्या करूँगा यहाँ पे पहला मैं नोट पॉइंट यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जीरो एंटर करूंगा एंटर 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 तो ये पहला वाला पॉइंट आ गया इसको मैं अभी कॉपी करूंगा एक्स एक्सिस में कितना नंबर वन टू थ्री फोर मुझे फोर नंबर यहाँ पे चाहिए तो इसको सिलेक्शन कैसे करूँगा सिलेक्शन करने के लिए सिंपली राइट क्लिक कीजिए सिलेक्ट कर सर टू नोट कर सर सिलेक्शन कीजिए एट ए टाइम मुझे यहाँ पे थ्री टाइम कॉपी करना है तो मैं क्या करूँगा डायरेक्टली ट्रांसेशनल रिपीट कर सकता हूँ कॉपी अपग्रेड वर्सा ये है रिपीट करने के बाद ये वाला ऑप्शन था यहाँ पे आप कौन सा डायरेक्शन में कॉपी करेंगे आई वॉन्ट इन एक्स नंबर ऑफ स्टेप कितना देंगे यहाँ पे बीच में कितना स्पेसिंग है आपका एक दो तीन तो नंबर ऑफ स्टेप विल बी थ्री नाउ यू विल गिव द डायमेंशन डायमेंशन यहाँ पे मैं देता हूँ फोर थ्री फोर थ्री अगर अलग चाहिए तो इसको आप चेंज कर सकते हैं लेकिन मैं सारे को सेम ही रखता हूँ फोर थ्री फोर थ्री इतना हो गया आपका इक्वल रखिए तो बेटर होता है एक मॉडल दिखने में भी यूनिक दिखेगा आपका दोनों साइड इक्वल आपका दिखेगा तो फोर थ्री फोर थ्री होने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं लिंक स्टेप करूंगा ताकि इसके बीच में एक लिंक क्रिएट होगा ओके लिंक मीन ये वाला ये वाला जो कनेक्शन आपका दिया है तो ये इसको आप, आप व्यू में जाके फ्रॉन्ट व्यू में रखिए तो ये देखिए नीचे वाला पार्ट मेरा यहाँ पर हो गया उसके बाद ये जो गोडाउन है इसका जो हाइट है वो है सिक्स मीटर तो इसको मैं अभी कॉपी करूँगा सिक्स मीटर तो बेटर होगा मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसलेशनल रिपीट कर लेता हूँ एंड वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टेप वन और इस सिक्स मीटर मीस एम एम में सिक्स थाउजेंड एम एम उसके बाद लिंक स्टेप उसके बाद यहाँ पे ओके तो ये देखिए आपका ट्रस का इतना पार्ट कंप्लीट हो गया अगर हम एक ड्रॉइंग अगर देखेंगे एक प्रीवियस में मैं एक किया था अगर उसका रेफरेंस देखेंगे तो ये जो ट्रॉस है वो मैं कुछ इस तरफ का इस टाइप का मैं ट्रॉस यहाँ पे ड्रॉ करूँगा जो कि ये वाला वाला लाइन ड्रॉ किया था अभी मैं ये हाइट प्रोवाइड करके एंगल प्रोवाइड करूंगा तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ तो देखिए अगर ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे तो मुझे ये जो हाइट है ये हाइट को प्रोवाइड करना पड़ेगा ये बीच से एक हाइट यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा तो जो हाइट होता है ये हाइट को प्रोवाइड कैसे करते हैं हाइट प्रोवाइड करने का जो कंसेप्ट है जो कैलकुलेशन है वो है टोटल लेंथ ऑफ द स्पान डिवाइडेड बाय सिक्स तो इसका जो टोटल लेंथ है वो ऑटो कैड में भी हम चेक कर सकते हैं टोटल लेंथ कितना है आपका यहाँ पे है ये वाला लेंथ कितना है आपका थर्टीन मीटर अप्रोक्सीमेटली थर्टीन पॉइंट फोर वन थर्टीन पॉइंट फोर वन मीटर यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ कैलकुलेटर इसको मैं राउंड फिगर थर्टीन ले जाता हूँ तो थर्टीन डिवाइडेड बाई सिक्स तो यहाँ पे आ गया आपका टू पॉइंट वन सिक्स सिक्स मीन्स टू पॉइंट वन जो राइजर का हाइट होगा वो होगा टू पॉइंट वन ये जो आपका हाइट है इसको बोलते हैं राइज उसका हाइट होगा 2.1 तो यहाँ से मैं 2.1 कॉपी करूंगा तो इसमें मुझे एक नोट पॉइंट चाहिए एक जॉइंट पॉइंट चाहिए लाने के लिए इसको सिलेक्शन कीजिए राइट क्लिक कीजिए माउस बटन पे इंसर्ट नोट और उसके बाद मिड पॉइंट उसके बाद ओके okay, आ गया इसको मैं कॉपी करूँगा सिलेक्ट कर सर राइट क्लिक सिलेक्ट कर सर नोट कर सर सिलेक्शन कीजिए कंट्रोल सी फॉर कॉपी कंट्रोल वी फॉर पेस्ट गिव द डायमेंशन टू जो कि मैं कैलकुलेशन किया था ये आ गया आने के बाद इसको आप ज्वाइंट कर लीजिए ऐसे ज्वाइंट होने के बाद हम एक काम करते हैं ये वन साइड को हम डिलीट ही कर लेते हैं क्यों डिलीट कर रहा हूँ वन साइड होने के बाद कंप्लीट होने के बाद उसको हम क्या करेंगे इस टाइप में मिरर कर देंगे तो इसलिए मैं वन पार्ट की ओनली ड्रॉ करूँगा उसके बाद मैं क्या करूँगा अभी ये जो मेम्बर है इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूँगा जिसको बोलते हैं एड्स अब देखे होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका एक्सटेंड होता है एक्सटेंड होने के बाद उसके ऊपर यहाँ पे गटर प्रोवाइड होता है ये मैं ड्राइंग ये तो एक सिंपल ड्राइंग है पूरा टोटल ड्राइंग और ये जो स्टार्ट प्रोफाइल है इसको मैं डिस्क्रिप्शन पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं मिनिमम प्राइस से मैं दिखा दूंगा वो ड्रॉइंग को मैं पूरा यहाँ पर कंप्लीटली आपको दिखा दूंगा अगर आप चाहें तो इसको ऑटोकेट फॉर्मेट में और इसको स्टार्ट प्रो फॉर्मेट में आप डिस्क्रिप्शन पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस परपज ओके तो अभी जो ये जो एप्स है उसको मैं फाइव हंड्रेड रखता हूँ तो इसको मैं फाइव हंड्रेड ए टाइप में एक्सटेंड करूँगा तो कैसे करूँगा यहाँ पे सिंपली शिफ्ट ई शिफ्ट प्लस ई ई फॉर एग ई को प्रेस कीजिए शिफ्ट ई को प्रेस कीजिए तो यहाँ पे ऐसा कुछ कलर शो करेगा अभी राइट क्लिक इन द माउस बटन नाउ, यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे लेवल को तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे टू कलर हो रहा है यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपका टू कलर्स हो रहा है वन इज योर स्टार्ट कलर इज योर ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर इज योर एंड कलर तो यहाँ पे जो ये एक्सटेंड होगा ये साइड में वो स्टार्ट कलर में आपका एक्सटेंड हो रहा है स्टार्ट कलर में एक्सटेंड हो रहा है मीन्स आपका क्या होगा यहाँ पे आपका स्टार्टिंग कलर पे एक्सटेंड हो रहा है मीन्स आपका ग्रीन साइड में एक्सटेंड हो रहा है मिस या आपका स्टार्टिंग साइड में एक्सटेंड होगा तो इसको आप चेक कर लीजिए चेक होने के बाद इसको मैं कैंसिल के, कर दिया तो डिफॉल्ट ग्रीन इच योर स्टार्टिंग कलर एंड ब्लू योर एंडिंग कलर अब ये मेंबर को मैं सिलेक्शन करता हूँ राइट क्लिक इन द माउस बटन यहाँ पे आपका एक ऑप्शन होगा नहीं उसको स्ट्रेचिंग करेंगे तो कर। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिख रहा है ज्योमेट्री में जाइए यहाँ पे स्ट्रेच बीम का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे थ्रो ए डिस्टेंस के ऊपर क्लिक कीजिए उसके बाद स्टार्ट नोट के ऊपर यहाँ पे सिलेक्शन कीजिए उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन प्रोवाइड कीजिए आई वॉन्ट फाइव हंड्रेड उसके बाद सिंपली अप्लाई ओके तो ये देखिए आपका स्टार्टिंग पे एक्सटेंड हो गया अभी फिर से शिफ्ट ई को प्रेस कीजिए वो कलर वाला यहाँ पे आपका हट गया हटने के बाद अभी यहाँ पे क्या करेंगे अगर मैं अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए Uh, ये जो वन पॉर्लिन टू सेकंड पॉलिन जो मेंबर है उसके बीच में अप्रोक्समेट डायमेंशन है आपका वन मीटर और जो स्टार्टिंग वाला होगा वो हो गया आपका 1400 उसके बाद वन मीटर तो उसी हिसाब से इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक स्टैंडर्ड है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और डायमेंशन आपका थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है जैसे कि ये हंड्रेड जो है ये आपका सिक्स हंड्रेड फाइव हंड्रेड सेवन हंड्रेड भी इसको ले सकते हैं तो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है स्पान के लेंथ के ऊपर वो डिपेंड करता है अगर ज़्यादा स्पान है तो ये डिस्टेंस को थोड़ा कम लीजिएगा तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं है थर्टीन मीटर का ओनली है तो इसलिए मैं यहाँ पे वन मीटर लिया हूँ दैट इज ए नॉट ओके तो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है तो ये एक स्टैंडर्ड है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं तो पहला वाला फोर्टीन हंड्रेड तो यहाँ पर मैं क्या किया यहाँ पर मैं क्या किया यहाँ से मैं एक कॉपी क्या सिलेक्ट कर सर राइट क्लिक सिलेक्ट कर सर नोट कर सर सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी इन एक्स एक्सेस ये देखिए रिवर्स डरेक्शन में आपका हरा है रहा है ये साइड में आपका कॉपी होगा तो ये माइनस होगा माइनस फोर्टीन हंड्रेड उसके बाद ओके okay. अभी इसको फिर से मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी एक्स में कॉपी करूंगा माइनस वन थाउजेंड या आ गया फिर से मैं इसको सिलेक्शन किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी एक्स अगेन माइनस वन थाउजेंड ऐसे आप उसको कॉपी कर लीजिए इंडिविजुअली ट्रांसलेशनल रिपीट भी कर सकते थे लेकिन मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया कोई दिक्कत नहीं और एक बार यहाँ पर होगा तो शायद हो जाएगा ये देखिए इतना हो गया आपका ये वन थाउजेंड वन थाउजेंड ना बाकी रेस्ट जहाँ यहाँ पे हुआ इसको हम चेक करेंगे तो रेस्ट वाला यहाँ पे आ गया आपका वन 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 फोर डेट इज़ ओके नो प्रॉब्लम तो ये मेरा यहाँ पे इतना पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया इतना पार्ट कंप्लीट होने के बाद अगर हम एक चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या है इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ ज्वाइन करना है इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ मुझे ज्वाइन करना है तो इसको वर्टिकली ऊपर ज्वाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा अभी सिलेक्ट कर सर करूँगा राइट क्लिक सिलेक्ट कर सर टू नोट कर सर ये नोट को सिलेक्शन करूँगा जिसको मुझे ज्वाइन करना है उसको मैं ट्रांसिशनल रिपीट करूँगा और कॉपी करूंगा ऊपर की तरफ जो कि इसके ऊपर आपका लाइन ड्रॉ होना चाहिए जो कि ये डायमेंशन में प्रोवाइड किया था टू वन डबल जीरो तो उससे ज़्यादा मैं टू फाइव डबल जीरो ले जाता हूँ उसको जोमेट्री रिपीट क्यों कर रहे हैं आगे आप देखिए वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टेप वन ये हो गया आपका टू फाइव डबल जीरो लिंक स्टेप दीजिएगा उसके बाद ओके okay कीजिएगा ये ऐसा कुछ लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया अभी ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो ये आपका कनेक्शन है यहाँ पे देखिए मैं अगर नोट पॉइंट इंसर्ट करूँगा इसको अगर इंटरसेक्ट कर दूंगा तो इसके बीच में नोट पॉइंट इंसर्ट हो जाएगा ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा बाद में इसको चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं तो जैसे कि हम इसको अभी सिलेक्शन किए कंट्रोल प्रेस कीजिए ये वाला मुझे नहीं चाहिए इतना ही चाहिए कंट्रोल प्रेस करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप ज्योमेट्री में जाइए उसके बाद यहाँ पे ये यह जो ऑप्शन दिख रहा है ये जो ऑप्शन ये ऑप्शन को देखिए ठीक से ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये ऑप्शन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग ऑप्शन तो ये ऑप्शन को आप सिलेक्शन कीजिए सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे इंटरसेक्ट सिलेक्टेड बीम के ऊपर क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ पे आप ओके okay कर दीजिए ओके okay करने के बाद टेन न्यू बीम क्रिएटेड ओके उसके बाद आप इसको चाहे तो उसको आप यहाँ से उसको चाहे तो इसको आप ऐसे करके उसको आप डिलीट कर सकते हैं दिस इज नो नॉनवेज इसको आप डिलीट कर दीजिए डिलीट एंटर एंटर इसको आप कर दीजिए तो ये मेरा डिलीट हो गया अभी मैं क्या करूँगा डिलीट होने के बाद मैं थोड़ा उसको ड्राइंग को चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए अभी ऐसा कुछ कनेक्शन है दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ऐसा कुछ कनेक्शन है तो ये कनेक्शन को मैं ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर आर्ग आइकन लिया पहले यहाँ से मैं एक ज्वाइन कर लिया उसके बाद मैं ऐसा कुछ यहाँ पे करेक्शन दाऊँ इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेंबर ओके ये फिक्स नहीं है वो अलग अलग टाइप का सेकेंडरी मेंबर होता है वो आप बुक से भी फॉलो कर सकते हैं कौन सा है, कौन सा टाइप का कैसे कैसे एंगल में प्रोवाइड होता है बट बेसिकली आप इसको ले सकते हैं ये कोई दिक्कत नहीं <coughs> इसको बोलते हैं हावी ट्रस्ट तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप ले सकते हैं टाइप ऑफ ट्रस्ट कितना टाइप का होता है अगर वो आपको जानना है तो आप कॉमेंट कीजिए तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊँगा थियोरिटिकली ट्रस्ट है क्या उसमें क्या क्या लोड आता है और वहाँ पे कितना टाइप का ट्रस्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए उसके अगर चाहिए तो तो इतना हो गया इतना होने के बाद अभी इसको मैं क्या करूँगा अच्छा यहाँ पे एक कनेक्शन था अगर हम ड्राइंग को ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे और एक मुझे कनेक्शन चाहिए क्योंकि इस स्पान का लेंथ बहुत ज़्यादा है <coughs> तो मैं क्या करूँगा सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा इसके इंसर्ट नोट करके सॉरी इंसर्ट नोट करके मिड पॉइंट पे एक नोट पॉइंट इंसर्ट कर दूंगा आठ बी माइक से को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये देखिए मेरा इतना पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया कंप्लीट होने के बाद अभी इसको क्या करूँगा इसको मिरर कर दूंगा मिरर करने के लिए मैं इतना सारे को सिलेक्शन किया सिलेक्शन करने के बाद ये, ये कौन सा एक्सिस में मिरर होगा यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे मिरर होगा ये साइड में तो यहाँ पे आप मिरर के ऊपर क्लिक कीजिए ये वाला ऑप्शन है मिरर ऑप्शन एक्स में अगर कॉपी होगा मिरर होगा तो इसको वाई जेड सिलेक्शन कीजिए उसका ऑपोजिट उसके बाद ये जो पॉइंट है ये पिक पॉइंट है जो कि सेंटर पॉइंट को चूज होता है इसको सिलेक्शन कीजिए उसके बाद ये इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं कोई भी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक कीजिए क्योंकि ये सेंटर है इसको बेस करके वो इस तरफ मिरर होगा कॉपी चाहिए ओके कीजिए ये देखिए आपका मिरर हो, okay आपका, हो गया होने के बाद ये नीचे वाला बीम को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ जो कि मेरा प्लिंथ बीम होगा प्लिंथ बीम <coughs> तो दिस मच पार्ट इज कम्प्लीटेड कंप्लीट होने के बाद अभी मैं क्या करूँगा ये एक ट्रस मेरा कंप्लीट हो गया तो अगर मैं ड्रॉइंग को देखूंगा तो यहाँ पे मेरा कितना नंबर ऑफ ट्रॉस यहाँ पे है पहले से काउंट किया था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नंबर ऑफ ट्रॉसेस आ गया और उसका डायमेंशन गिवन है आपका फोर सिक्स फाइव थ्री फोर सिक्स फाइव थ्री और ये पहला वाला थोड़ा अलग है तो इसको मैं सारे को सेम ले जाता हूँ फोर अभी इसको मैं सिलेक्शन किया आइसोमेटिक व्यू में जाता हूँ व्यू आइसोमेटिक हाँ फोर सिक्स फाइव थ्री फोर सिक्स फाइव थ्री तो इसको सिलेक्शन करने के बाद इसको मैं ज्योमेट्री जा ट्रांसिसनल रिपीट जेड एक्सिस नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पे होगा कितना नंबर ऑफ स्टेप होगा यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ स्टेप में स्पेसिंग कितना होगा जैसे कि अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टेप कितना होगा एक दो तीन चार पाँच बिटवीन स्पेसिंग मुझे पाँच स्पेसिंग चाहिए फोर सिक्स फाइव थ्री का तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप विल बी फाइव यहाँ पे फोर सिक्स फाइव थ्री प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे सारे चेंज हो गया आपका फाइव लिंक स्टेप उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं ओके कर लिया तो ये देखिए मेरा इतना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है होने के बाद और एक आगे यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये देखिए इन बिटवीन आपको कोई भी कॉलम नहीं है स्टार्टिंग में दो कॉलम एक्स्ट्रा है एंडिंग में दो कॉलम है बीच में कोई कॉलम है नहीं तो उसको मुझे रिमूव करना है रिमूव कैसे करूँगा पहले तो आप फ्रंट व्यू में चले जाइए फ्रंट व्यू में आने के बाद इतना सारे कोई सिलेक्शन कर लीजिए ये जो दिख रहा है आपको ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए ट्रैक करके अभी इसको आइसोमेटिक व्यू में आइए ये पहला वाला को ऑनसिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल प्रेस कीजिए और पहले वाले के ऊपर फिर से सिलेक्शन कीजिए तो ये देखिए ऑनसिलेक्ट हो गया वैसे लास्ट वाला को भी कंट्रोल प्रेस कीजिए लास्ट वाला को भी ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए तो ये क्या होगा ये आपका ऑनसिलेक्ट हो जाएगा थोड़ा रोटेट कर लेते हैं अगर दिक्कत होगा तो ये देखिए नेविगेशन की से उसको हम रोटेट कर सकते हैं देखिए बीज वाला ऑनली सिलेक्शन हुआ इसको मुझे डिलीट करना है सिंपली कीबोर्ड से डिलीट Yes, कर लीजिए ये पार्ट आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा ये देखिए डिलीट हो गया लुक एट दिस मच इज कम्प्लीटली डन तो मेरा यहाँ पे मॉडल कंप्लीट हो गया है मॉडल कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसके ऊपर हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे आप जाइए सपोर्ट के ऊपर उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है उसको इग्नोर कीजिए क्रिएट के ऊपर क्लिक कीजिए फिक्स उसके बाद आर उसके बाद फिक्स टू को सिलेक्शन कीजिए व्यू मेनूबार जाइए फ्रॉड व्यू के ऊपर क्लिक कीजिए और नीचे वाला जितना भी नोड है उसको सिलेक्शन कर लीजिए नोट कर सकते आइसोमेटिक व्यू पे देखिए ये प्रॉपरली आपका सपोर्ट पार्ट में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर सिंपली उसको असाइन कर लीजिए यस कर लीजिए तो ये देखिए मेरा सपोर्ट फिक्स सपोर्ट यहाँ पर असाइन हो चुका है इतना होने के बाद उसके ऊपर हम क्या करेंगे प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर्टी क्या प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू माय क्लाइंट रिक्वायरमेंट ये जो सारे कॉलम होगा ये कॉलम होगा आरसीसी का कॉलम और ये जो बीम होगा ये आरसीसी का बीम होगा उसके ऊपर ये जो फ्रेम होगा ये टोटल स्टील का होगा तो पहले मैं आर का प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता हूँ मिस मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा प्रॉपर्टी के पेज में उसके बाद यहाँ पे मैं डिफाइन ऑप्शन पे सिलेक्शन करूँगा नाउ व्हाट आई विल डू यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर पे सिलेक्शन करूंगा यहाँ पे मैं साइजेस प्रोवाइड करूंगा कॉलम का साइजेस अभी के लिए मैं एज्यूम करके 300 हंड्रेड बाय थ्री लेता हूँ बाद में चेक करेंगे अगर ये साइजेस नॉट ओके देन उसको हम बाद में इंक्रीज करेंगे बट मिनिमम यहाँ पे हम 300 300 रखते हैं इतना होने के बाद यहाँ पे मेटेरियल होगा कंक्रीट आर उसके बाद ये जो प्लिन बीम है प्लिन बीम का साइजेस में लेता हूँ थ्री फिफ्टी डेप के साथ टू फिफ्टी एम एम 350 का डेप्थ होगा ये जो डेप्थ होगा 350 का होगा और जो विथ्स होगा 250 का होगा ये मैं क्लीन बीम के लिए लेता हूँ इसको सिंपली ऐड कर लेता हूँ उसके बाद क्लोज अब ये पहला वाला को सिलेक्शन किया करने के बाद सारे कॉलम को ऊपर अप्लाई करूंगा सिंपली व्यू फ्रंट व्यू में चले जाइए कंट्रोल प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप ड्रैग करके सिलेक्शन कर सकते हैं ऐसे कॉलम आसोमेटिक पे थोड़ा चेक कर लीजिए उसके बाद यहाँ पे असाइन असाइन टू सिलेक्टेड बीम असाइन येस ये कॉलम में असाइन हो गया माउस यहाँ पे क्लिक कीजिए उसके बाद बीम वाला ऑप्शन को सिलेक्शन कीजिए सॉरी बीम वाला ऑप्शन को सिलेक्शन कीजिए फ्रंट व्यू जाइए और ये नीचे वाला बीम को ड्रैग करके सिलेक्शन कीजिए ये देखिए सिलेक्शन हो गया उसके बाद एस साइन कीजिए यस कीजिए इसको मैं चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे वन टाइम क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कीजिए उसके बाद right राइट क्लिक करके यहाँ पे रेंडरिंग के ऊपर क्लिक कीजिए यहाँ पे देखिए आपका कॉलम और यहाँ पे आपका प्लिन बीम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है अभी मैं ऊपर वाला जो पार्ट है स्टील का पार्ट में यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके लिए स्टील के लिए आप सेक्शन डाटाबेस में जाना पड़ेगा स्टील प्रॉपर्टी ये आपका डिफाइन में अवेलेबल नहीं है सेक्शन डाटाबेस के ऊपर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आफ्टर फोर टू फाइव सेकेंड ये वाला आपका विंडो ओपन हो जाएगा इसके ऊपर आपका यहाँ पे वराइटी कंट्री का यहाँ पे अवेलेबल है फॉर अमेरिका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट कंट्री अवेलेबल है यहाँ पे देखिए इंडियन भी है अगर इंडियन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वराइटी इंडियन प्रॉपर्टी अवेलेबल है जैसे कि एस एप एस एफ के अंदर यहाँ पे देखिए आई एस एम भी यहाँ पर होगा तो यहाँ पे मेरे कॉलम तो मैं ले चुका हूँ आर सी सी का इसलिए यहाँ पे मैं स्टील का कॉलम प्रोवाइड नहीं करूंगा अगर चाहिए होगा तो यहाँ से ही इसको एड कर सकते हैं जो भी साइजेस चाहिए यहाँ पे अगर चैनल चाहिए तो चैनल के ऊपर क्लिक कीजिए यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू माय क्लाइंट तो यहाँ पे जो भी होगा आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा साइज देना कौन सा सेप देना चाहते हैं ओके okay, अगर उसको चैनल सेप चाहिए तो आप चैनल ले सकते हैं लेकिन कौन सा चैनल का कौन सा साइज यहाँ पे पास होगा वो तो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है तो यहाँ पे आपको कौन सा सेप का मेंबर लेना है वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है अगर क्लाइंट आपको बोल रहा है तो मार्केट के अवेलेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे आप कौन सा टाइप का मेंबर लेंगे वो आप डिसाइड कीजिएगा बट बेसिकली जो कॉलम होता है अगर स्टील का कॉलम होता है तो यहाँ पे मैं आई एस एम बी लेता आई एस एम बी का डिफरेंस सही लेता है लेकिन यहाँ पे मेरा स्टील का कॉलम है नहीं तो मैं कॉलम को नहीं लेता हूँ बाकी ऊपर वाला जो पार्ट है अकॉर्डिंग टू माइक लाइन उसको चाहिए ट्यूब सेक्शन जो स्क्वायर जैसा होता है ट्यूब सेक्शन उसको चाहिए तो मैं ट्यूब सेक्शन लूंगा ट्यूब सेक्शन दिखने में कैसा होता है अगर उसको मैं दिखाऊंगा आपको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ट्यूब का सेक्शन होता है, कैसा है यहां पे सिंपली मैं नेट पे सर्च किया यहां पे मैं लिख दिया ट्यूब स्टील ट्यूब इंडियन इमेज में जाते हैं ये सर्कुलर पाइप है ओके सर्कुलर है अगर आपको सर्कुलर चाहिए तो ये सर्कुलर ट्यूब है अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो यहां पे होगा यहां लिख देता हूं स्क्वायर स्टील स्क्वायर ट्यूब ये देखिए ऐसा कुछ सेक्शन होता है ये स्टील का सेक्शन ट्यूब का सेक्शन है अगर आपको रेक्टेंगुलर चाहिए तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है स्क्वायर चाहिए होगा तो ये स्क्वायर है रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगुलर सेक्शन भी हो सकता है और पाइप सेक्शन होगा तो आप यहाँ पे पाइप सेक्शन भी ले सकते हैं ये वाला स्टील का ट्यूब का पाइप है उसका कुछ थिकनेस होता है और इसका कुछ डायमीटर होता है तो यहाँ पे मैं जो भी सेक्शन लूंगा मैं रेक्टेंगुलर और स्क्वायर का शेप का यहाँ पे मैं लूंगा तो ये वाला सेक्शन मुझे प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे मैं वो वाला प्रोवाइड कैसे करूँगा तो यहाँ पे अलग अलग मेरे पास मेंबर है अगर फ्रंट व्यू में जाऊँगा तो ये जो नीचे वाला मेंबर है ये नीचे वाला मेंबर होता है पहले से मैं आपको बोल चुका हूँ ये है टाई बीम एंड दिस वन जो राफ्टर जो कि ज़्यादा लोड कैरी करता है तो ये दोनों सेक्शन को मैं थोड़ा बड़ा सेक्शन प्रोवाइड करूँगा तो यहाँ पर मैं सेक्शन डाटाबेस में जाता हूँ सेक्शन डाटाबेस में जाने के बाद यहाँ पर मैं इंडियन पर आता हूँ इंडियन पर अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पर आप आइए टाटा स्ट्रक्चर के ऊपर ये टाटा स्ट्रक्चर में ये अवेलेबल है तो टाटा भी आपका इंडिया में इंपोर्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ से आप टाटा में आने के बाद यहाँ पे आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कौन सा चाहिए या सर्कुलर चाहिए तो वहाँ से आप चूज कर सकते हैं तो मुझे सपोज स्क्वायर चाहिए तो ये जो नीचे वाला मेंबर और इंक्लाइन मेंबर के लिए मैं लूँगा स्क्वायर सेक्शन और सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ ये कौन सा साइज यहाँ पे पास करेगा वो तो डिज़ाइन होने के बाद ही मिलेगा अभी के लिए मैं एज्यूम करके हंड्रेड हंड्रेड फोर यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता हूँ ये स्टील का होगा डायरेक्टली एड कर लिया ये हो गया उसके बाद आपका जो ये जो बीच में जो सेकेंडरी मेंबर है ये ये सारे सेकेंडरी मेंबर ये सारे सेकेंडरी मेंबर के लिए मैं लेता हूं थोड़ा छोटा सा साइज वो स्क्वायर का थोड़ा सा मैं छोटा साइज लेता हूं क्योंकि ये सेकेंडरी मेंबर है वो स्मॉल साइज में भी पास हो जाएगा इसको मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये वाला थर्टीट थर्टी टू पॉइंट सिक्स वाला मेंबर यहां पे मैं लेता हूँ स्टिल होगा एड हो गया स्मॉल सेक्शन गया उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका पॉलिन मेंबर मेंबर में बोला था और ये ऐड करने के बाद वो और एक बार दिखा दूंगा पॉलिन के लिए मैं सपोज लेता हूँ सेम स्क्वायर का यहाँ पे लेता हूँ सिक्सटी सिक्सटी फोर वाला लेता हूँ और थ्री पॉइंट टू सिक्सटी सिक्सटी थ्री पॉइंट टू और एक चीज़ ये कौन सा साइज भी अवेलेबल होगा वो मार्केट में देखना पड़ेगा क्योंकि सिक्सटी सिक्सटी का डिफरेंट है सेवेंटी टू है तो ये भी मार्केट में देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सा अवेलेबिलिटी है ईजिली आपको अवेलेबल हो सकता है वो आप डीलर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर एड कर लिया उसको क्लोज कर लिया तो पहले तो हम प्रोवाइड करेंगे कौन सा वाला इसको प्रोवाइड करेंगे इसको प्रोवाइड करने के लिए कंट्रोल को प्रेस कीजिए और इसको ऐसे वन बाय वन सिलेक्शन कीजिए बीच में सिलेक्शन कीजिएगा कोई भी ज्वाइंट पॉइंट में सिलेक्शन नहीं होना चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करके ऐसे वन बाय वन इसको मैं सिलेक्शन कर लिया उसके बाद ये बीच वाला को तो कोई भी ज्वाइंट पर सिलेक्शन नहीं होना चाहिए अगर इसको अगर दिक्कत होगा तो थोड़ा जूम कर लीजिए ये पूरा सेंटर में क्लिक कीजिएगा कंट्रोल को छोड़िएगा मत कंट्रोल को प्रेस करने के बाद ही इसको आप ऐसे कीजिए जो भी सिलेक्शन करते हैं सिलेक्शन करने के बाद एनसी और आइसोमेटिक व्यू को सिलेक्शन कीजिए उसके बाद देखिए कि ये प्रॉपरली सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ होने के बाद इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम मैसेन एस कर ली ओके उसके बाद सेकंड को मैं सेकेंडरी मेंबर पर प्रोवाइड करूँगा फ्रॉन्ट व्यू में गया कंट्रोल को प्रेस किया अभी इसको मैं लेता हूँ ऐसे ऐसे उसको मैं ऐसे ड्रा करके भी ले सकता हूँ यहाँ पे ऐसे में सिलेक्शन करता हूँ जॉइंट पे सिलेक्शन होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मेंबर है नहीं इसको मैं ऐसे सिलेक्शन कर लेता हूँ केयरफुली थोड़ा सिलेक्शन कीजिएगा और सिलेक्शन करने के बाद आप इसको आइसोमेटिक पे देखिएगा कि प्रॉपरली कि नहीं अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करके इसको ऑन सिलेक्ट कर लीजिएगा इसलिए जो भी आप सिलेक्शन करेंगे आप उसको आइसोमेटिक व्यू पे थोड़ा चेक कर लीजिए होने के बाद इसको ऐसा इन येस कर लिया उसके बाद ये जो मेम्बर है इसको मैं पर्लिन लिन पर प्रोवाइड करने वाला हूँ पर्लिन क्या है ये जो मेम्बर है ऐसे जो कनेक्शन है आपका ये मेंबर को पॉर्लिन बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एसाइन हो जाएगा क्योंकि सारे प्रॉपर्टी हो गया है एक्सेप्ट पॉलिन तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कैसा होता है इसको सिलेक्शन कीजिएगा सिलेक्ट बार में जाने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कीजिए मिसिंग प्रॉपर्टी के ऊपर उसके बाद फिर से मिसिंग प्रॉपर्टी जहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं हुआ है वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी के लिए हाईलाइट करेगा उसको और एक बार यहाँ पे प्रॉपर्टी मिसिंग प्रॉपर्टी उसके बाद यहाँ पे असाइन कर लीजिए तो ये देखिए आपका प्रॉपर्टी हो गया राइट क्लिक कीजिए रेंडरिंग कीजिए ये आपको दिखेगा मेंबर ये देखिए यहाँ पे देखिए अगर देखेंगे तो ऊपर एक कनेक्शन है ये देखिए ऊपर एक कनेक्शन है और नीचे भी एक कनेक्शन है ये जो नीचे कनेक्शन है उसको बोलते हैं टाई आ, इसको बोलते हैं टाई बीम और इसको बोलते हैं टाई मेंबर टाई मेंबर थोड़ा ज़्यादा है इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ यहाँ पे मैं सिंपली फ्रॉन्ट व्यू में गया जाने के बाद कंट्रोल प्रेस करके मैं अगर ये जॉइंट पॉइंट पर अगर ऐसे ड्राक करूँगा बीम कर्सर से तो ऐसोमेटिक व्यू में देखेंगे तो ये नीचे वाला मेंबर सिलेक्शन हो जाएगा ये देखिए तो कुछ मेंबर को मुझे डिलीट करना है एक को छोड़ के एक एक डिलीट करना है जैसे कि मैं पहले वाला को डिलीट करूंगा सेकंड को रखूंगा इसको डिलीट करूंगा इसको रखूंगा इसको और इसको मैं डिलीट कर लूँगा यहाँ पे रखूंगा इसको डिलीट कर दूंगा अभी देखिए यहाँ पे कैसे सिलेक्शन हो ये देखिए इतना सिलेक्शन हो गया इसको मुझे डिलीट करना है मुझे एक एक छोड़ के एक रखना एक रखना है जैसे कि मुझे यहाँ पर एक रखना है इसको डिलीट करना है इसको भी डिलीट कर दिया मुझे यहाँ पर रखना है थोड़ा कम रखना है इसमें लाइटिंग वगैरह प्रोवाइड होता है आपका मेन तो आपका ये वाला पर्लिन पार्ट है नीचे वाला पार्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं अगर कुछ लाइटिंग वगैरह वहाँ पर रखना है तो लाइटिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं लाइटिंग दे सकते हैं इसलिए वहाँ पे मैं प्रोवाइड किया वैसे इस साइड में भी वैसे मैं डिलीट करूँगा तो वैसे फ्रॉन्ट व्यू गया फ्रॉन्ट व्यू जाने के बाद मुझे ये वाला को डिलीट करना है इसको रखना है इसको इसको डिलीट करना है इसको रखना है इसको डिलीट करना है शायद सही सिलेक्शन किया मैंने ओके डिलीट यस राइट क्लिक रेंडरिंग मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपरली आपका हुआ या नहीं हुआ ये देखिए ये देखिए नीचे वाला मेंबर देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे मेंबर है नहीं एक को छोड़ के एक है जैसे कि अगर देखेंगे तो ये पहला वाला है सेकंड नहीं है देखिए सेकंड में जॉन नहीं है थर्ड है यहाँ पे जॉन नहीं है यहाँ पे है यहाँ पे जॉन नहीं है ऐसा देखिए यहाँ पे, पे, पे वन वन छोड़ के वन वन यहाँ पे मैं प्रोवाइड किया ऐसे कुछ यहाँ पे आप कर सकते हैं ये देखिए इतना हो गया इतना होने के बाद ये देखिए पूरा मेंबर और प्रॉपर्टी यहाँ पे पूरा फुल्ली कंप्लीट हो गया इसके ऊपर सीट होगा तो मैं सीट को प्रोवाइड नहीं करूंगा उसका लोड ही प्रोवाइड कर दूंगा तो ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे उसके ऊपर आप लोडिंग प्रोवाइड करेंगे लोडिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे लोडिंग के ऊपर जाइए लोडिंग के ऊपर जाने के बाद लोडिंग के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप ये जो डेफिनेशन का प्लस सिंबल को क्लिक कीजिए उसके बाद पहले तो हम सेस्मिक लोड प्रोवाइड करेंगे तो सेस्मिक डेफिनेशन के ऊपर जाइए उसके बाद इसको सिंपली ऐड कर लीजिए ऐड होने के बाद यहाँ पे जो टाइप होगा ये आपका आई कोड के हिसाब से इंडिया का जो आई कोड है आई एस वन एट नाइन थ्री टू थाउजेंड सिक्सटीन उसको सिलेक्शन कीजिए उसके बाद यहाँ पे जनरेट कीजिए जनरेट करने के बाद यहाँ पे आप आइदर सिटी ले सकते हैं आयदर आपका जोन ले सकते हैं अब आपको पता है कि आपका जो प्लेस है वो कौन सा जोन में आता है तो यहाँ पे आप सिंपली जोन के ऊपर क्लिक कीजिए यहाँ पे बेसिकली इन आवर कंट्री देर आर फोर जोन टू थ्री फोर एंड फाइव और उसी हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आपका चेंज होगा टू विल बी जीरो पॉइंट वन थ्री विल बी जीरो पॉइंट वन सिक्स फोर विल बी जीरो पॉइंट टू फोर एंड फाइव विल बी जीरो पॉइंट थ्री सिक्स अगर ये सशमी क्लोड के ऊपर अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए कि मैनुअल कैलकुलेशन कैसा होता है फिलहाल तो स्टार्ट प्रो के लिए ऐसे कुछ मैनुअल कैलकुलेशन नहीं चाहिए फिर भी उसके ऊपर अगर डीप नॉलेज चाहिए मैनुअल कैलकुलेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सेशमिंग रोल को कंप्लीटली मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बेसिकली अगर जोन लेंगे तो ऐसे लेंगे अगर आपको सिटी पता है तो यहाँ पे सिटी ले सकते हैं उसके बाद अपना यहाँ पे सिटी ले जाइए जो भी सिटी आपका होगा तो अगर आपका रेस्पेक्टेड सिटी अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर नियरेस्ट सिटी को भी ले सकते हैं तो मेरा जो नेटिव प्लेस है वो भुवनेश्वर है तो मैं यहाँ पे सिटी को लेता हूँ भुवनेश्वर जिसका जोन है जीरो पॉइंट वन सिक्स जोन नंबर थ्री है तो इसको मैं यहाँ पे चूज कर लिया उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा यहाँ पे वैरायटी ऑप्शन है तो यहाँ पे स्टील के लिए ये दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जिसके फर्स्ट हो गया आपका स्टील बिल्डिंग विथ ऑर्डिनरी आरसी मोमेंट और, और स्पेशल आरसी सी मोमेंट तो बेसिकली ये जो फ्रेम है ये आपका स्टील का ऑर्डिनारी आर मोमेंट है जो स्पेशल आर्ट मोमेंट होता है वो जो बड़ा बड़ा गवर्नमेंट बिल्डिंग होता है जो दो फ्लोर थ्री फ्लोर का जो स्टील का बिल्डिंग होता है उसमें आप स्पेशल ले सकते हैं पी टाइप का स्ट्रक्चर लेकिन ये आपका एक स्मॉल गोडाउन है इसके लिए इसको आप ऑर्डिनारी आर्ट्स मोमेंट लीजिए जिसका नंबर आ जाएगा आपका थ्री फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड सोरबी थ्री इंपोर्टेंस फैक्टर जो होगा यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट बिल्डिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग ऑल अदर बिल्डिंग तो यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर क्योंकि ये बिल्डिंग है कमर्शियल टाइप का यहाँ पे वो गोडाउन का कुछ मटेरियल वगैरह यहाँ पे रखेंगे कमर्शियल परपोज के लिए इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे मैं कमर्शियल बिल्डिंग को लेता हूँ इतना होने के बाद यहाँ पे आप सॉइल्टाइप को चूज़ करेंगे कौन सा टाइप का आपको आपका अवेलेबल है ये सॉइल डाटा आपका सॉइल का आ, टेस्टिंग होने के बाद ये पता चलता है कि कौन सा टाइप का वहाँ पे सॉइल है तो उसी हिसाब से ये जो मेरा प्लेस है इसमें हार्ड सॉइल है तो ये हार्ड सॉइल ले सकते हैं और अगर आप उसका टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो उसका वहाँ पे विजिट कीजिए उसके बाद क्लाइंट के साथ वहाँ पे डिस्कस कीजिए कि वहाँ पे बेसिकली कौन सा टाइप का माटी वहाँ पे है मुरु माटी है या सैंडी क्ले है या आपका ब्लैक कॉटन सॉल है तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप सॉल का कैटेगोरी चूज कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे जो बिल्डिंग टाइप होगा वो होगा स्टील फ्रेम बिल्डिंग स्टीम एम आर एफ बिल्डिंग स्टील मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग के ऊपर क्लिक कीजिए उसके बाद डैम्पिंग रेशियो ऑलवेज फाइव रहेगा पी एक्स पीरियड में कैलकुलेशन करके प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम स्किप करते हैं दिस इज नॉट डेथ मच इम्पोर्टेंट नाउ लेकिन ये प्रोवाइड होता है लेकिन अभी के लिए हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं उसके बाद यहाँ पे सिंपली जनरेट प्रोवाइड कर लिया उसके बाद यहाँ पे एड प्रोवाइड कर लिया उसके बाद क्लोज तो यहाँ पे उसका ये वाला पार्ट यहाँ पे मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और एक चीज़ यहाँ पे मैं भूल गया ये लोड प्रोवाइड करने से पहले मेरा यूनिट को मुझे चेंज करना था मीटर किलोमीटर में तो नहीं किया था अभी मैं कर लेता हूँ जो भी आप लोड अप्लाई करेंगे वो आप यूनिट को आप रखिए यहाँ पे मैट्रिक्स पे आने के बाद यूनिट को रखिए मीटर किलो न्यूटन लोड अप्लाई करने से पहले आप यूनिट को मीटर किलो न्यूटन पर रखिए मॉडल को आप मिलीमीटर में कीजिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन लोड प्रोवाइड करने से पहले यूनिट को आप मीटर किलो न्यूटन में चॉइस चूज करेंगे तो ये होने के बाद फिर से यहाँ पे लोडिंग पेज में आऊँगा मैं और ये मैं सेस्मिक का डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर चुका हूँ उसके बाद उसका डायरेक्शन प्रोवाइड करूंगा तो बेसिकली मैं एक्स और जेड टू डायरेक्शन में सेस्मिक लोड को प्रोवाइड करूंगा तो यहाँ पे लोड किस डिटेल में आइए आने के बाद सिंपली यहाँ पे एड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए वहाँ पे लोडिंग का जो टाइपिंग होगा उसको आप रखिए सेस्मिक और सेस्मिक का टू डिरेक्शन में होगा जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया ई क्यू एक्स ई क्यू एक्स मीन्स आर्थ क्विक इन एक्स डिरेक्शन एड कर लीजिए फिर से यहाँ पे लिखिए ई क्यू जेड आर्थ को इक इन जेड डिरेक्शन सिंपली एड करके क्लोज कर, कर लीजिए इस से लोड का मैं दो डन पे प्रोवाइड कर लिया फर्स्ट वन को क्लिक कीजिए एड कीजिए एड होने के बाद उसको थोड़ा साइड कीजिए यहाँ पे आप सेमिक लोड के ऊपर क्लिक कीजिए सेसमिक लोड के ऊपर क्लिक होने के बाद यहाँ पे डिरेक्शन रहेगा एक्स फैक्टर रहेगा ऑलवेज वन नो नीड टू चेंज एड कीजिए पहला वाला यहाँ पे आ गया उसके बाद सेकेंड वन को क्लिक कीजिए नाउ यू विल सिलेक्ट द सेमिक लोड उसके बाद डायरेक्शन होगा आपका जेड फैक्टर विल बी वन एड क्लोज ये दोनों हो गया अगर इसको ऊपर सिलेक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सेस्मिक लोड का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है हमको सारे लोड को प्रोवाइड करना है उसके बाद ये आपको दिखाई देगा अभी दिखाई नहीं देगा तो ये सेस्मिक लोड मेरा यहाँ पे प्रोवाइड कर लिया उसके बाद मैं इसके ऊपर विंड लोड प्रोवाइड करूँगा विंड लोड प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे विंड डेफिनेशन पे जाइए विंड डेफिनेशन पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपली ऐड कीजिए ऐड होने के बाद यहाँ पे और एक बार ऐड करके क्लोज कर लीजिए उसके बाद ये विंड वन टाइप वन के ऊपर क्लिक कीजिए ऐड कीजिए उसके बाद यहाँ पे उसका हाइट और इंटेंसिटी प्रोवाइड करना है ये बिल्डिंग का हाइट कितना है ये मेरा था सिक्स मीटर का और ये था टू पॉइंट वन मीन्स अप्रोक्सीमेटली सिक्स टू एट मीटर का अप्रोक्सीमेटली एट मीटर हाइट एट पॉइंट वन मीटर हाइट का ये बिल्डिंग है मेरा तो यहाँ पर आप हाइट प्रोवाइड कीजिए पहले आप हाइट रखिए थ्री मीटर उसके बाद यहाँ पर सिक्स मीटर उसके बाद 8.1 मीटर ऐसे तीन तीन मीटर का स्पेसिंग में आपको विंड लोड का इंटेंसिटी कैलकुलेशन करना है तो ये कैसे, कैसे कैलकुलेशन होता है इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें विंड लोड का कंप्लीट कैलकुलेशन अपलोड करूंगा तो वो भी है आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं अभी के लिए यहाँ पर मैं एज्यूम करके लेता हूँ तो ये एज्यूम वैल्यू भी आप ले सकते हैं अभी के लिए लेकिन ओरिजिनल वैल्यू यू विल कंसीडर अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन और कैलकुलेशन आई विल अपलोड सून तो यहाँ पे मैं एज्यूम uh, करके लेता हूँ वन पॉइंट वन इंटेंसिटी वन पॉइंट टू इंटेंसिटी और वन पॉइंट थ्री इंटेंसिटी ऐसा मैं यहाँ पे इंटेंसिटी को एज्यूम करके प्रोवाइड किया हूँ उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं और कोई चेंज नहीं करूँगा ऐड कर दूँगा ये जो फैक्टर आएगा फैक्टर को वन करके एड देन क्लोज कर दूंगा इतना होने के बाद यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक कीजिए सिंपली यहाँ पे असाइन टू व्यू के ऊपर क्लिक कीजिए असाइन कीजिए यस कर लीजिए तो ये जो सेस्मिक लोड है सारे जॉइंट पॉइंट पे आपका अप्लाई हो जाएगा उसके बाद सेम यहां पे डिरेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे इसका चार डिरेक्शन प्रोवाइड करेंगे x, plus, x minus, Z plus, Z चार डायरेक्शन में हम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे लोड किस डिटेल में गया एड होने के बाद यहाँ पे जो लोडिंग टाइप होगा उसको हम विंड रखेंगे यहां पे रखेंगे विंड x प्लस सिमिलरली सिमिलरली एड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका विंड एक्स माइनस उसके बाद आ जाएगा आपका विंड जेड प्लस इसके बाद आपका आ जाएगा विंड जेड माइनस वैसे चार डायरेक्शन में प्रोवाइड होने के बाद यहाँ पे सिंपली ऐड करके यहाँ पे मैं उसको क्लोज कर दूंगा उसके बाद ये पहला वाला ऑप्शन को क्लिक करके ऐड करूँगा ऐड होने के बाद यहाँ पे आप विंड लोड के ऊपर क्लिक कीजिए ये विंड एक्स प्लस तो यहाँ पे होगा एक्स यहाँ पे फैक्टर विल बी वन ये सब नहीं चाहिए उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे सिंपली ऐड कीजिए अच्छा ये वाला जो है आपका ओपन स्ट्रक्चर अगर आपका सैड कम्प्लीटली ओपन रहेगा मीन्स कोई भी आपका आउटर साइड में बाउंड्री वॉल या वॉल वगैरह नहीं होगा यहाँ पे कोई वॉल वगैरह नहीं होगा कम्पलीटली आपका फ्रेमिंग रहेगा तो यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर में क्लिक कीजिएगा लेकिन यहाँ पे मेरा जो स्ट्रक्चर है ये देखिए आउटर साइड में ये ब्रिक का वॉल है ये कम्पलीटली ब्रिक वॉल में आपका कवरिंग हुआ है यहाँ पे एक डोर प्रोवाइड हुआ है यहाँ पे एक डोर प्रोवाइड हुआ है इसलिए इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर में नहीं रखता हूँ इसको मैं क्लोज स्ट्रक्चर में ही रखूँगा तो अगर आपका ब्रिक का वॉल नहीं होगा तो उसको ओपन रखिएगा तो यहाँ पे मैं ओपन नहीं रखा यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको ऐड कर लिया ये पहला वाला ऐड हो गया उसके बाद मैं सेकेंड वन को सिलेक्शन करूँगा उसके बाद यहाँ पे मैं विन लोड के ऊपर क्लिक करूँगा उसके बाद फिर से यहाँ पे मैं एक्स लिया और फैक्टर को मैं क्या लूँगा माइनस वन फैक्टर को लूँगा मैं माइनस वन इसलिए क्योंकि यह मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक्स माइनस यहाँ पे x माइनस पे मत लीजिएगा x माइनस और जेड माइनस का जो यूजेस है वो डिफरेंट है तो यहाँ पे उसको नेसेसरी नहीं है x कीजिए फैक्टर को माइनस वन कीजिए सिंपली ऐड कर लीजिए विंड जेड प्लस विंड लोड के ऊपर क्लिक कीजिए यहाँ पे जेड डायरेक्शन पे लीजिए फैक्टर विल बी वन ऐड विंड जेड माइनस विंड लोड के ऊपर क्लिक कीजिए यहाँ पे जेड डायरेक्शन पे उसके बाद फैक्टर विल बी माइनस वन यहाँ पर माइनस वन कर लीजिए उसके बाद एड उसके बाद क्लोज अब इसको सिलेक्शन करेंगे तो इंडिविजुअल डरेक्शन में ये हो जाएगा अप्लाई एक्स प्लस एक्स माइनस जेड प्लस और जेड माइनस ये भी चार डिरेक्शन पे यहाँ पे मेरा विंड लोड अप्लाई हो चुका है इतना होने के बाद इसके ऊपर हम डेड लोड अप्लाई करेंगे डेड लोड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लोड किस डिटेल के ऊपर क्लिक करूँगा उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं ऐड करूंगा ऐड होने के बाद यहाँ पे जो लोडिंग टाइप होगा इसको मैं लूँगा डेड तो यहाँ पे आप डेड के ऊपर क्लिक कीजिए डेड के ऊपर क्लिक होने के बाद यहाँ पे टाइटल में लिखिए डेड लोड उसके बाद सिंपली इसको ऐड कर लीजिए उसके बाद क्लोज़ कीजिए यहाँ पे मैं कोई भी लाइव लोड अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे लाइव लोड आपका है नहीं क्योंकि नीचे आपका फ्लोरिंग है और कुछ यहाँ पे फ्लोर है नहीं तो कभी कभी मेंटेनेंस के लिए हम ऊपर जाएंगे लेकिन उसके लिए तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी एनफ उसके लिए एक्स्ट्रा कोई लाइव लोड यहाँ पे नेसेसरी नहीं है तो डेड लोड को सिलेक्शन करने के बाद उसको सिंपली ऐड करेंगे ऐड होने के बाद यहाँ पे डेड लोड जो आएगा पहला आएगा वेट लोड वेट मीन्स ये लोड ऑफ टोटल स्ट्रक्चर ये जो लोड आपका जो इंडिविजुअल मेंबर है सारे का वेट को यहाँ पे वो कैलकुलेशन करके अप्लाई करेगा इसलिए यहाँ पे वेट के ऊपर सिलेक्शन करूंगा उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं ऐड कर दूंगा ऐड होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लूंगा मैं मेंबर लोड ये मेंबर लोड को मैं ओनली पर्लिन के ऊपर अप्लाई करूंगा पर्लिन के ऊपर इसलिए अप्लाई करूंगा क्योंकि पर्लिन के ऊपर क्या होता है सीट होता है जी का सीट होता है ए का सीट होता है ठीक है ना तो वो जो सीट का वेट है और कभी कभी मेंटेनेंस के लिए भी हम ऊपर जाते हैं रेनफॉल होता है तो ये सारे लोड को कंबाइन करके यूनिफॉर्म फोर्स यहाँ पे मैं माइनस जीरो पॉइंट वन किलोमीटर पर मीटर में अप्लाई कर रहा हूँ ये इंक्लूडिंग ऑल लोड लाइक सेल्फ वेट ऑफ स्टील सी रेनफॉल और स्नोफॉल अगर स्नोफॉल होगा तो यहाँ पे स्नोफॉल तो है नहीं तो इसको इग्नोर कर लीजिए तो ये सारे के लिए यहाँ पे मैं ये जीरो पॉइंट वन को अप्लाई करूंगा मेंबर लोड में इसको सिंपली यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए एड और क्लोज कर लूंगा अभी ये दोनों को मुझे असाइन करना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है असाइन करेंगे तो ये हट जाएगा इस सेलफ के ऊपर सिलेक्शन करने के बाद एसाइन टू व्यू एसाइन यस कीजिए ये टोटल स्ट्रक्चर में आपका अप्लाई हो गया इसलिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन मार्क हट गया उसके बाद सेकंड को सिलेक्शन करने के बाद उसको मैं पर्लिन के ऊपर सिलेक्शन करूंगा पर्लिन के ऊपर कैसे सिलेक्शन करूंगा सिंपली यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ फ्रंट व्यू जाने के बाद अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर ऐसे यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये वाला मेंबर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में जाइए कंट्रोल को प्रेस कीजिए और ये जितना भी ज्वाइंट पॉइंट है इसको ऐसे ड्रैग करके सिलेक्शन कीजिए पहला वाला को भी ऐसे ओनली अपर पार्ट को लोअर पार्ट में हम नहीं अप्लाई करेंगे ऐसे कंट्रोल प्रेस करके बीम कर्सर से नॉट नोट कर्सर बीम करसर से ही इसको सिलेक्शन कीजिए ये देखिए सिलेक्शन हो गया आइसोमेटिक व्यू पर थोड़ा चेक कर लीजिए कंट्रोल प्लेस के वो सिलेक्शन करना आइसोमेटिक व्यू पर चेक कीजिए ये देखिए प्रॉपरली सिलेक्शन हो गया उसके बाद यहाँ पे आप असाइन टू सेलेक्टेड बीम कीजिएगा व्यू मत कीजिए व्यू करेंगे तो टोटल में सिलेक्शन हो जाएगा एसाइन टू सेलेक्टेड बीम एसाइन येस तो ये देखिए आपका हो गया लेकिन अच्छे से दिख नहीं रहा है वो देखने के लिए राइट क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ पे लेवल के ऊपर क्लिक कीजिए सर so राइट right क्लिक कीजिए यहाँ पर आपका लेवल के ऊपर क्लिक कीजिए लेवल के ऊपर क्लिक होने के बाद इसको साइड कीजिए यहाँ पे स्केल के ऊपर क्लिक कीजिए अप्लाई इमीडिएटली कीजिए ये जो डिस्टेंस फोर्स है इसको थोड़ा कम कीजिए कम करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये एनिमेशन अगर दिखाई दे रहा है तो ये नो नीड अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये प्रोसेस से आप उसको देख सकते हैं जितना भी आपको होगा इतना मैं करता हूँ उसके बाद ओके ये देखिए आपका अप्लाई हो चुका है तो ये देखिए मेरा सारे लोड यहाँ पे मैं अप्लाई कर चुका हूँ लाइव लोड यहाँ पर नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर लोड का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इसको इंक्लूडिंग में जीरो पॉइंट वन में मैं इसको असाइन कर लिया ऐसे कभी कभी मेंटेनेंस के लिए ऊपर जाते हैं तो इतना होने के बाद इसका हम लोड कॉम्बिनेशन करेंगे लोड कॉम्बिनेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम प्रोवाइड करेंगे लोड कॉम्बिनेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इसके लिए आप लोड केस डिटेल पे जाइए और मैं इधर उधर नहीं जाता हूँ उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ न तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसके लिए इसको मैं सिंपल वे से जाता हूँ ये सिंपल वे से उसको आप डिजाइन कर सकते हैं अगर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा उसका डिटेलिंग चाहिए तो आप कॉमेंट कीजिए डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए तो लोड के के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली ऐड कीजिए ऐड होने के बाद यहाँ पे आप जाइए टू टाइप के लोड कॉम्बिनेशन हो सकता है वन इंच डिफाइन कॉम्बिनेशन वन इंच ऑटो लोड कॉम्बिनेशन मैं ऑलवेज डिफाइन कॉम्बिनेशन को प्रीफर करता हूँ तो ये अपने हिसाब से आप लोड को डिफाइन कर सकते हैं तो लोड कॉम्बिनेशन पे जाने के बाद पहले तो ये डेड लोड के ऊपर सिलेक्शन कीजिए उसके बाद ये जो फास्ट ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ये मेरा ट्रांसफर हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप प्रोवाइड कीजिए वन इसको ऐड कर लीजिए फिर, फिर से अब अब ये डेड लोड को सिलेक्शन कीजिए फिर से ट्रांसफर कीजिए अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लीजिए वन पॉइंट फाइव ऐड कीजिए ये जो मैं कॉम्बिनेशन पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आई ए स्कोर के हिसाब से प्रोवाइड कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आई ए स्कोर आई एस एट सेवन फाइव पार्ट फाइव एट सेवन फाइव पार्ट फाइव में ये आपका मेंशन है उसको आप फॉलो कीजिए तो वो हिसाब से ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके बाद सेकंड आपके कमीशन क्या होगा ये सेशमिक पहला वाला को सिलेक्शन कीजिए कंट्रोल को प्रेस कीजिए डेड के ऊपर क्लिक कीजिए ट्रांसफर कीजिए यहाँ पे लिखेंगे 1.2 तो एवरी टाइम 1.2 नहीं चाहिए यहाँ पे डिफॉल्ट पे 1.2 कर दीजिए उसके बाद पहला वाला डेड लोड ट्रांसफर 1.2 आ गया एड सेकेंड वन डेड लोड सारे को डेड लोड के साथ कीजिए वन बाय वन थर्ड वन डेड लोड फोर्थ वन डेड लोड फिफ्थ वन डेड लोड फाइव वन डेड लोड फाइव हो गया सिक्स वन डेड लोड इसको ऐसे वन बाई टू के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जितना भी आपका डेड लोड और लोड आएगा उसमें वन पॉइंट टू टाइम ज्यादा लोड लेके वो डिजाइन करेगा इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू वर्किंग लोड डिवाइडेड बाय अल्टीमेट लोड ओके हाँ वर्किंग लोड और अल्टीमेट लोड का जो रेशियो है वो है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो यहाँ पे आप वर्किंग लोड को अल्टीमेट लोड में कन्वर्ट किए अल्टीमेट लोड इज इक्वल टू वर्किंग लोड मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो वो यहाँ पे हम किए थे तो इतना होने के बाद यहाँ पे ये यह मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसके बाद सिंपल क्या करेंगे आप यहाँ पे और नहीं कंप्लीट नहीं हुआ उसके बाद सेस्मिक लोड यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं तो यहाँ पे एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है तो उसको ध्यान से देखिए अगर आपको दिक्कत होगा तो इसको रिवाइन करके अगेन एंड अगेन देखिए तो ये स्टेप आपको पता चल जाएगा ये लिटिल बेट आपका डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन इसको देखिए तो ये आपका इजीली कर सकते हैं इसको पूरा एग्जैक्टली exactly ऐसे ही फॉलो कीजिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे यूटिलिटीज में जाना पड़ेगा यूटिलिटीज में जाने के बाद यहाँ पे कॉमांड फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए सिंपली सेव कर लीजिए उसके बाद ये जो कॉमांड फाइल वाला पेज ओपन हो जाएगा हो हो जाने के बाद उसको आप नीचे आइए यहाँ पर कुछ आपको सर्चिंग करना पड़ेगा पूरा नीचे आने के बाद आपको एक लाइन यहाँ पे सर्चिंग करना पड़ेगा कौन सा लाइन वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये वाला लाइन ये वाला लाइन आपको थोड़ा तो ध्यान से देखिए ये लाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा ये देखिए ये जो लाइन लिखा है जोन इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ये जो लाइन है जोन जीरो पॉइंट वन सिक्स आर एफ थ्री आई तो ये शायद आपका अलग अलग, अलग हो सकता है लेकिन यहाँ पे पहला वाला जो लेटर होगा वो जोन लिखा होगा जीरो पॉइंट वन सिक्स हो सकता है अगर आपका जोन जीरो पॉइंट वन होगा तो जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट थ्री सिक्स जीरो पॉइंट टू फोर ऐसे यहाँ पे चेंज हो सकता है लेकिन यहाँ पे जोन के साथ ये वाला लाइन आपका आना चाहिए इतना आने के बाद इसका एंडिंग में सिलेक्शन कीजिए सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे एक एंटर प्रेस कर लीजिए एंटर प्रेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ कॉपी करके यहाँ पे कुछ पेस्ट करना है तो कुछ कॉपी करके पेस्ट करूँगा और यहाँ पे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक एड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मार्क आ जाएगा तो आप कहीं पे भी रहेंगे आप कहीं पे भी रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं मुझे ये वाला लाइन यहाँ पे मुझे मिल गया यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है किसको पेस्ट करना है उसको जानने के लिए आप थोड़ा नीचे आइए और थोड़ा नीचे आइए ज़्यादा जूम हो गया शायद हाँ और थोड़ा नीचे आइए यहाँ पर आपको ये डेड लोड जो लिखा है ना ये डेड लोड यहाँ पे देखिए लोड नंबर सेवन जो डेड लोड डेड लोड का कितना था इतना इतना यहाँ पे था मेरा क्या 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 लोड प्रोवाइड वही लोड के बाद यहाँ पे मैं कौन सा लोड प्रोवाइड किया लोड नंबर सेवन ओके okay, अगर कंफ्यूजिंग होगा तो यहाँ पे आप क्या कीजिए मिनिमाइज कर लीजिए मिनिमाइज होने के बाद यहाँ पे देख लीजिए डेड लोड का नंबर कितना था डेड लोड का नंबर कितना था आपका सेवन तो सेवन नंबर लोड को यहाँ पे आपको सर्चिंग करना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे लिखा है लोड नंबर सेवन जो कि है मेरा डेड लोड इतना मेरा डेड लोड है नीचे मेरा स्टार्ट हो गया था कम्बाइन लोड कम्बिनेशन लोड तो ये जो लोड है इसको कॉपी करना है कहाँ से कॉपी करना है ऊपर वाला जो लाइन है उसको छोड़ के डेड लोड का जो नीचे है सेल्फोड से स्टार्ट होकर अप टू इसका एंडिंग तक इसको आपको सिलेक्शन करना है ये क्यों करते हैं क्या करते हैं अगर उसको एक्सप्लेन करूँगा तो उसके लिए मुझे और हाफ एन आवर या वन आवर का मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा तो वो मैं सेपरेट वीडियो में मैं उसको अपलोड करूँगा ये वीडियो में उसको मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ तो इसको सिंपली ऐसे सिलेक्शन करके उसको कंट्रोल सी पर कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करने के बाद जहाँ पे मैं एक बुक मार्क किया था इसके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा कंट्रोल वी करूँगा तो ये क्या हो जाएगा पेस्ट हो जाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपका पेस्ट हो गया ये इसको थोड़ा ध्यान से देखिए ऑरिजिनल जहाँ पे था ऑरिजिनल भी वहाँ पे है लेकिन यहाँ पे मेरा एक डुप्लीकेट क्रिएट हो गया ये जो डुप्लीकेट क्रिएट हुआ इसमें कुछ मोडिफिकेशन करना है जैसे कि यहाँ पर सेल्फुएट के बाद वाई और माइनस वन है ये माइनस को हटाना है और ये वाई को हटाना है ओके okay, ये माइनस और वाई को हटाना है उसके बाद ये जो लोड लिखा है ये लोड को आप कैपिटल में लिखिएगा वेट डब्ल्यू ई आई जी एच टी वेट लिखिएगा वेट लिखने के बाद यहाँ पे आइए ये लास्ट में जो लिखा है आपका यू एन आई जी वाई जीरो वन ये जो माइनस सिंबल है उसको हटाना है और जी वाई को हटाना है ये माइनस है नहीं ये आपका कंटिन्यू का सिंबल है तो इसको मत कीजिए कुछ यहाँ पे कीजिएगा मत यहाँ पे आप सिंपली यू एन आई के बाद जो नंबर था इसको आप रिमूव करना है तो इतना आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना है क्या मॉडिफाई करना है सेल्फ वेट के बाद वाई माइनस वन को हटाना है यहाँ पे मेंबर uh, लोड जो लिखा था उसको वेट लिखना है उसके बाद यहाँ पे यू एन आई के बाद जो जीओए uh, और माइनस था उसको हटाना है इतना होने के बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपका सेव का ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए और कंट्रोल एस कीजिए इतना होने के बाद यहाँ पे आप उसको क्लोज कर लीजिए सिंपली क्लोज होने के बाद वो वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है वो वाला स्टेप कंप्लीट होने के बाद अभी हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे एनालिसिस एंड डिजाइन ऑप्शन पे जाके यहाँ पे एनालिसिस कमांड के ऊपर सिलेक्शन करेंगे उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे उसको हम सिंपली क्लोज करेंगे उसके बाद पोस्ट एनालिसिस कमांड करेंगे उसके बाद यहाँ पे हम डिफाइन कमांड करेंगे उसके बाद ये जो लोड है उसको हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस सेकेंड ऑप्शन उसके बाद इसको ऐड करेंगे उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट डेक्शन पे सिलेक्शन करेंगे एड करेंगे उसके बाद क्लोज करेंगे उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मार्क्स हो रहा है सपोर्ट रिएक्शन के ऊपर इसको सिंपली सिलेक्शन करके असाइन टू व्यू असाइन यस कर लीजिए तो इतना स्टेप आएगा कंप्लीट हो गया इसके बाद यहाँ पे रॉन एनालिसिस के ऊपर क्लिक कीजिए सेव कीजिए यहाँ पे देखिए आप कोई भी एरर नहीं आना चाहिए एक वार्निंग आएगा उसको आप इग्नोर कीजिए एक्सेप्ट दैट यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा दो तीन वार्निंग आएगा तो वह चलेगा लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए कि ज़्यादा भी वार्निंग नहीं आना चाहिए एक वार्निंग डिफॉल्ट आएगा उसको आप इग्नोर कीजिए तो इतना आपका यहाँ पे हो गया इतना होने के बाद दैट मीन्स यहाँ पे मेरा लोड कंप्लीट हो गया लोड का प्रोसेस जो है वो मेरा मेरा कम्प्लीट हो गया अगर कोई भी मेम्बर का मुझे डेड उसका मुझे आ, आ, पेंडिंग मोमेंट्स चरफोर्स अगर कैलकुलेशन करना होगा तो इसके ऊपर आप सिंपली डबल क्लिक कर लीजिए यहाँ पर उसका आप डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं उसका आप स्योर बेंडिंग चेक कर सकते हैं तो इसके लिए तो आप डिफरेंट वीडियो आप चेक करेंगे लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकें कोई भी मेंबर के ऊपर इसका इसको डबल क्लिक किया यहाँ पे स्योर बेंडिंग इसका मैं श्योर फोर्स फॉर डिफरेंट लोड और उसका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ इसके बाद हम लास्ट स्टेप को फॉलो करेंगे लास्ट स्टेप क्या है मेरा यहाँ पे डिजाइन है एनालिसिस और डीएन पेज में आने के बाद यहाँ पे स्टील के ऊपर क्लिक कीजिए मुझे स्टील का डिजाइन करना है तो स्टील के ऊपर क्लिक कीजिए स्टील के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे करंट कोड जो है इसको चूज कीजिए आई एस एट डबल जीरो मेरा लास्ट स्टेप है स्टील डिजाइन का उसके बाद यहाँ पे कमांड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए कमांड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ पैरामीटर आपको ऐड करना पड़ेगा जिसके पहला हो गया आपका चेक कोड एड उसके बाद यहाँ पे फिक्स ग्रुप एड उसके बाद मेंबर टेक ऑफ एड उसके बाद यहाँ पे टेक ऑफ एड इतना को आपको ऐड करना है उसके बाद थोड़ा नीचे आइए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क शो करेगा इसको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप व्यू में फ्रॉन्ट व्यू में जाइएगा जहाँ पे आपका स्टिल मेंबर है उसको ऐसे सिलेक्शन कीजिएगा ड्राक करके इतना मेरा स्टिल मेंबर है बाकी सारे तो आर का था तो ऐसे सिलेक्शन होने के बाद इसको एस आइन टू सिलेक्टेड बीम एस आइन येस कीजिएगा ये क्वेश्चन मार्क आपका हट जाएगा फिर से सेकेंड वन को सिलेक्शन किया क्वेश्चन मार्क वाला इसको ऐसे सिलेक्शन किया इसको एस आइन येस नेक्स्ट वन सिलेक्ट उसके बाद एस यस ऐसे उसको मैं चूज कर लिया ये देखिए ये देखिए मेरा जो भी था यहाँ पे देखिए मेरा ये हाईलाइट हो रहा है ये मेरा सिलेक्शन हो चुका है जितना भी मेरा हाईलाइट होने वाला है जो भी आई थिंक ये वाला ये वाला तो इतना होने के बाद अभी क्या करना पड़ेगा एनालिसिस एंड डिजाइन पे आने के बाद फिर से एनालिसिस कमांड के ऊपर क्लिक कीजिए ऐड कीजिए क्लोज कीजिए उसके बाद रॉन एनालिसिस करके इसको सेव कर लीजिए अभी यहाँ पे हमारा स्टील का डिजाइन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है उसको रिजल्ट कैसे चेक करेंगे इतना होने के बाद इसको आप डन कर लीजिए अभी जो वर्क फ्लो यहाँ पर लिखा है इसके ऊपर क्लिक कीजिए अभी यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए इसका अभी नेसेसरी होगा यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाइए उसके बाद सिंपली इसको ओके okay कर लीजिए ओके okay होने के बाद यहाँ पे जो डिफ्लिक्स डिस्प्लेसमेंट है उसको ऑन चेक कीजिए ये पूरा ऑनचिक हो गया ये यूटिलाइजेशन रेशियो के ऊपर क्लिक कीजिए क्लिक होने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपका ये ऊपर वाला स्टील पार्ट है नीचे वाला को आप इग्नोर कीजिए यहाँ पे बेसिकली आपका तीन कलर शो होता है पहला वाला जो कलर है रेड कलर रेड कलर होता है तो यहाँ पे कम्प्लीटली फेल होता है तो यहाँ पे मेरा कोई भी रेड कलर शो नहीं हो रहा है तो ये मेरा स्ट्रक्चर कम्प्लीटली फेल है नहीं ये देखिए मेरा कम्प्लीटली फेल है या नहीं तो रेड कलर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है सेकंड कलर होता है आपका ब्लू कलर ब्लू कलर क्या होता है आपका ये अप्रोक्सीमेटली फेल होता है ये और थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये पास हो जाएगा ये जो ये नंबर जो लिख रहा है ये नंबर आपका वन से बिलो होना चाहिए वन से बिलो मींस वो हंड्रेड परसेंट पास यहाँ पे देखिए वन पॉइंट वन थ्री मीन्स ये आस पास पास है ये फेल है अभी भी फेल है लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद ये पास हो जाएगा और नेक्स्ट कलर होता है आपका ग्रीन कलर जो कि ऑलवेज ग्रीन कलर क्या होता है आपका वन से नीचे होता है तो वन से नीचे होगा मीज ये हंड्रेड परसेंट आपका पास है तो ऐसा यहाँ पे थ्री कलर्स हो होता है ये रेशियो को भी चेक करेंगे रेशियो आपका वन से नीचे होना चाहिए तो यहाँ पर मेरा जो राक्टर और यहाँ पे टाई मेंबर और जो सेकेंडरी मेंबर है ये सारे मेरा पास हो चुका है सॉरी राक्टर और टाई बीम और मेरा सेकेंडरी मेंबर पास हो चुका है मुझे पोर्लिन को और जो टाई मेंबर है ये वाला पार्ट को मुझे इंक्रीज करना है उसका प्रॉपर्टी इसको पास कराने के लिए तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे सिंपली फिर से प्रॉपर्टी में आऊँगा ये जो मैं प्रॉपर्टी लिया था उसके लिए ये वाला सिक्सटी सिक्सटी ये मेरा फेल हो रहा है इसको मैं एडिट करूंगा एडिट करने के बाद यहाँ पे स्क्वायर पर आऊँगा उसके बाद ये सिक्सटी को बढ़ा के मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ सेवेंटी टू सेवेंटी टू थ्री पॉइंट टू करके देखता हूँ एड इतना होने के बाद यहाँ पे रॉन कीजिएगा रॉन एनालिसिस पे आई सिंपली रॉन कीजिएगा रॉन नहीं करेंगे तो रिजल्ट शो नहीं करेगा उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद फिर से पोस्ट प्रोसेसिंग में आइए फिर ओके कीजिए डिस्प्लेसमेंट को आपको रिमूव करना है उसके बाद यूटिलाइजेशन रेशियो क्लिक करना है ये देखिए आई थिंक ये पूरा कंप्लीटली पास हो चुका है तो ऐसे आपको पास कराना है अगर ये आपका पास नहीं हो रहा है तो फिर से इंक्रीज करना है फिर से इंक्रीज करना है सपोज अभी मैं कुछ फेल करा के दिखाता हूँ जैसे कि पहला जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया था ये हंड्रेड हंड्रेड फोर इसको मैं कम करता हूँ ताकि ये फेल होगा जैसे कि इसको मैं लेता हूँ फिफ्टी स्क्वायर सिक्शन इसको मैं लेता हूँ क्या फोर्टी फोर्टी टू पॉइंट सिक्स फेल करा के दिखाता हूँ इसको मैं असाइन कर लिया अभी चेक करता हूँ ये देखिए जब फेल होता है तो ऐसा कुछ यहाँ पे शो होता है देखिए ये रेड कलर पे शो हुआ जो रेसियो है वो 2.3 ये पूरा मेंबर नीचे वाला फेल हुआ ऊपर वाला मेंबर भी ये देखिए एंडिंग में आपका फेल हुआ दैट जिसमीस मुझे टोटल को इंक्रीज करना है ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग लूंगा इसके लिए अलग लूंगा तो ये जॉइन कैसे करेंगे तो ये फेल हो रहा है मीन्स ये कंप्लीट मेंबर आपको चेंज करना पड़ेगा या अगर ये फेल हो रहा है तो ये कंप्लीट मेंबर आपको चेंज करना पड़ेगा जो जैसे जो रेड कलर पे शो हो रहा है वो ज़्यादा फेल हो रहा है तो ऐसे उसका आप चेक कर सकते हैं तो वो जितना भी था वो सही था उसको मैं जो सेवेंटी टू सेवेंटी टू सॉरी फोर्टी फोर्टी जो कर दिया उसको मैं हंड्रेड हंड्रेड फोर ही रखता हूँ वो मेरा सही है ये ओनली मैं आपको दिखाने के लिए क्या था कहाँ चला गया हंड्रेड हंड्रेड फोर चेंज यस उसके बाद फिर से रॉन करके मैं देखता हूँ वो सही है नहीं है ओके पोस्ट प्रोसेसिंग ओके यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे सही है पूरा ऑल मेंबर यहाँ पे पास है और आप यहाँ पे यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे आप रन कीजिए रन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका व्यू आउटपुट फाइल उसको डन कीजिए डन होने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए यहाँ पे आप वार्निंग को ऑफ कर दीजिए यहाँ पे आपका लिखा होगा स्टिल डिजाइन इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखाएगा ऑल मेंबर का स्टाटस आपका ऑल मेंबर का क्या क्या स्टाटस है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे पहला जो मैं मेम्बर प्रोवाइड किया था ये जो हंड्रेड हंड्रेड फोर यहाँ पर देखिए स्टार्टस में आपका पास होना चाहिए तो जब इसको आपको अप्रूवल के लिए अगर इसको आप सेंड करेंगे ये रिपोर्ट को तो वो आपका ये चेक करेंगे कि ये सारे मेंबर आपका पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे वो जो स्टार्टस ये पास होना चाहिए यहाँ पे फेल नहीं होना चाहिए अगर फेल होगा तो आप क्या करेंगे उसका प्रॉपर्टी को आप इंक्रीज करेंगे तो कैसे वो करेंगे वो क्या करेंगे मैं कम्प्लीटली वो बता चुका हूँ कम्प्लीटली मैं उसको बता चुका हूँ तो ये प्रोसेस में आप करेंगे और एक यहाँ पे बाकी रह गया था ये जो आर का जो कॉलम और बीम उसको भी मैं डिजाइन कर लेता हूँ इसके लिए यहाँ पे मैं कंक्रीट के ऊपर जाता हूँ कंक्रीट में जाने के बाद यहाँ पे जो डिजाइन कोड है उसको मैं आई एस फोर फाइव सिक्स रखूँगा उसके बाद डिजाइन पैरामीटर के ऊपर सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर मैं एफ सी लूँगा एफ को यहाँ पर जब मीटर में है तो इसको मैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लूँगा मीन्स एम ट्वेंटी फाइव ग्रेड का कंक्रीट इसको सिंपली ऐड कर लूँगा उसके बाद एफ ओ एम एन को लूंगा फाइव हंड्रेड ओके okay, इतना पैरामीटर को अभी के लिए ऐड करते हैं और भी बहुत कुछ है वो मैं कंक्रीट डिजाइन में उसको कंप्लीट ट्यूटोरियल में दूंगा लेकिन इतना अभी इसके लिए उसके बाद नीचे आइए ये जो मेंबर है इसको आपको असाइन करना है जो पहला वाला है इसको फ्रॉन्ट व्यू में आइए व्यू फ्रॉन्ट व्यू जितना भी आपका आर का मेंबर है उसके ऊपर सिलेक्शन कीजिए असाइन टू सिलेक्टेड बीम असाइन येस सेकेंड वन को भी सिलेक्शन किया उसको सिलेक्शन किया एसाइन यस yes. इतना होने के बाद यहाँ पे कॉमन ऑप्शन पे आइए डिजाइन बीम को सिलेक्शन कीजिए ऐड कीजिए डिजाइन कॉलम को सिलेक्शन कीजिए ऐड कीजिए उसके बाद क्लोज कीजिए उसके बाद नीचे आइए डिजाइन बीम को कहाँ पे असाइन करना है ये नीचे वाला प्रिंट बीम को सिलेक्शन कीजिए असाइन टू सिलेक्टेड बीम एसाइन यस कॉलम को कहाँ पे असाइन करना है कॉलम के ऊपर सिलेक्शन कीजिए उसके बाद एसाइन यस तो यहाँ पे मैं आर सी सी का भी डिजाइन कर लिया अगर चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हैं डिजाइन बीम डिजाइन कॉलम उसको फिर से आप एनालिसिस कमांड उसके बाद ऐड उसके बाद क्लोज उसके बाद फिर से उसको रॉन करेंगे तो ये मैं आर का अभी चेक कर सकता हूँ यहाँ पे व्यू आउटपुट में आइए यहाँ पे कुछ एरर शो हो, हो रहा है तो एरर को हम देखते हैं व्यू आउटपुट डन तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट सिम्स ऑनरीसनेबुल यहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मेरा थोड़ा गलत हो गया इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ इससे देखूंगा यहाँ पे मैं डिजाइन पे आया कॉन्क्रीट यहाँ पे जो मैं प्रोवाइड किया था ये जो 500 लिया था क्योंकि ये मीटर में है तो ये जो 500 लिया था ये 500,000 होना चाहिए वन टू थ्री और थ्री जीरो यहाँ पर पुट करना चाहिए था क्योंकि ये आपका किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में है अगर वो एम एम में होता है तो न्यूटन पर एम एम में होता है तो ये फाइव होता है तो इसको मैं मॉडिफाई कर लिया ओके इसको आप मॉडिफाई कर लीजिएगा ये फाइव फाइव हंड्रेड थाउजेंड उसके बाद उसको रन कीजिए अभी इसको आप चेक कीजिए अच्छा मैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं एरर एरर कैसे क्रिएट होता है एरर को कैसे सॉल्व होता है इसके लिए भी मैं आगे जाके वीडियो अपलोड करूंगा इसलिए मैं बोल रहा हूं आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे मैं बहुत सारा ऐसे अलग अलग वीडियो अपलोड करूँगा जो कि उसको देख के आप कंप्लीटली स्टार्ट प्रो मैक्स रफिट लूमियन सारे सॉफ्टवेयर इजिली आप लर्न कर सकते हैं तो यहाँ पर उसको व्यू आउटपुट किया उसके बाद यहाँ पे मैं डन कर लिया डन होने के बाद यहाँ पे सिंपली आप बीम के ऊपर डबल क्लिक कीजिए ये मेरा बीम का रिजल्ट यहाँ पे सो रहा है कॉलम के ऊपर डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे कॉलम का रिजल्ट सो रहा है यहाँ पे आप डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं डबल क्लिक किया कंक्रीट डिजाइन ये देखिए मेरा बीम का रिजल्ट कॉलम के ऊपर डबल क्लिक किया यहाँ पे कंक्रीट डिजाइन यहाँ पे मेरा कॉलम का रिजल्ट ये वाला कॉलम एक और ये वाला कॉलम एक ये देखिए कॉलम का रिजल्ट तो ऐसे आप उसका कंप्लीटली डिजाइन कर सकते हैं तो ये डिजाइन मेरा हो गया है अभी वीडियो को कुछ टाइम के लिए पॉज करता हूँ पॉज होने के बाद ये कंप्लीटली मैं उसका ड्राइंग को कर लेता हूँ क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन में उसका ड्राइंग को ड्रा करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा ड्रॉइंग होने के बाद उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँगा उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे सो आफ्टर वन डे वन डे के बाद ये मेरा ड्रॉइंग uh, कम्प्लीट हो चुका है तो ये ड्रॉइंग जो हुआ है ये डिजाइन के हिसाब से मैं उसको कम्प्लीट किया हूँ ये मेरा जो डिज़ाइन हम किए थे उसी हिसाब से अगर हम ड्राइंग को देखेंगे तो ये मेरा ड्राइंग को कंप्लीट कर चुका हूँ और ये टोटल को अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन के हिसाब से करने के लिए फ़ाइव टू सिक्स आवर मुझे लगा इसको कंप्लीट करने के लिए जो कि इसमें मैं एक वन बाई वन उसको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसे कि ये ये तो मेरा प्लान था तो प्लान के हिसाब से यहाँ पर मैं पहले प्रोवाइड किया कलम पोजिशन कॉलम लेआउट प्लान तो जो कॉलम था वो आर का कॉलम था और जो कॉलम यहाँ पर मैं दिया हूँ थ्री एटी थ्री एटी लेकिन यहाँ पर एग्जेक्टली पास हुआ है अगर यहाँ पे मैं कॉलम को देखूँगा तो 350 में 350 का यहाँ पे कॉलम मेरा पास हुआ है लेकिन यहाँ पे मैं प्रोवाइड किया हूँ 380 इसलिए 380 क्योंकि इसका जो वॉल थिकनेस है ये वॉल थिकनेस है थ्री एटी एम वो वॉल का जो थिकनेस है वो थ्री एटी एम का थिकनेस का यहाँ पर वॉल है तो इसी हिसाब से वॉल का थिकनेस जितना है मैं कॉलम का साइजेस को भी उतना ही रखा हूँ यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पे मैं थ्री एटी एम एम का यहाँ पे मैं कॉलम प्रोवाइड किया तो यहाँ पे मेरा कॉलम पोजीशन हो गया कॉलम पोजीशन होने के बाद यहाँ पे मेरा फुटिंग साइजेस ये फुटिंग जो कैसे निकलता है ये मैं दूसरा वीडियो में अपलोड करूँगा फुटिंग का कैलकुलेशन करने के लिए तो यहाँ पे जो फुटिंग पास हुआ है वो टू थ्री डबल जीरो टू थ्री डबल जीरो का यहाँ पर ऑलराउंड फुटिंग यहाँ पे कंसिडर हुआ है उसके बाद नीचे जो प्लिंथ बीम है वाल का थिकनेस अगर थ्री एटी एम mm एम होगा तो हम यहाँ पे बीम का साइजेस भी थ्री एटी एम एम इन टू थ्री एट एम एम यहाँ पर रखे हैं लेकिन यहाँ पे मेरा पास हुआ है तो यहाँ पे जितना भी पास होगा उससे आप ज़्यादा करके ले सकते हैं लेकिन उससे कम करके मत लीजिएगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली exactly पास हुआ है थ्री फिफ्टी बाई टू फिफ्टी लेकिन यहाँ पे मैं प्रोवाइड किया हूँ अकॉर्डिंग टू वॉल थिकनेस के हिसाब से तो जितना पास हुआ है उससे हम ज़्यादा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं तो ये मेरा प्लिन बीम का है उसके बाद यहाँ पर मेरा फुटिंग का डिटेल है यहाँ पर जो मेरा फुटिंग होगा Uh, जो मेरा फुटिंग होगा फुटिंग का साइजेस है टू थ्री डबल जीरो टू थ्री डबल जीरो और डेप्थ डेप्थ मीस ये वाला जो डेप्थ है डी जो कि होगी आपका थ्री फिफ्टी एम एम और जो रेनफोर्समेंट बार यहाँ पे यूज होगा यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे गिवन है एस वन एस टू क्या है यहाँ पे गिवन है तो एस वन एस टू एस थ्री एस फोर क्या होता है वो टॉप रेनफोर्समेंट बार होता है तो टॉप में कोई रेनफोर्समेंट बार नहीं चाहिए ओनली बॉटम पे आपका दोनों डायरेक्शन पे जो रेनफोर्समेंट बार होगा ट्वेल्व एम एम का वन फिफ्टी एम एम स्पेसिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा तो इसी हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड हुआ ये आपका इंचेस पे हो गया है ये इंचेस नहीं होगा ये यह। तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल यहाँ पे गिवन है तो ये डिटेल गिवन पूरा डिटेल यहाँ पे गिवन है तो ये डिटेल को आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए तो यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पे कॉलम जो है कॉलम का जो साइजेस होगा थ्री एटी बाई थ्री एटी और यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट होगा आपका तो टोटल एट नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार होगा सिक्सटीन एम mm एम डायमीटर का तो ये पूरा डिटेल है आपका कॉलम फुटिंग का उसके बाद ये है मेरा प्लिन बीम का जो प्लीन बीम होगा वो थ्री डी बाई थ्री का बीम होगा जिसमें टॉप में, में रेनफोर्समेंट बार आएगा टू सिक्सटीन और बॉटम में आएगा टू सिक्सटीन और बीच में थ्री ट्वेल्व थ्री ट्वेल्व का वो कंटिन्यू बार होगा स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपका तो ये मेरा रेनफोर्समेंट डिटेलिंग था तो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के हिसाब से आ, वो कॉलम का कास्टिंग होगा उसके बाद यहाँ पर आ गया मेरा डिटेल ऑफ ट्रॉस वन तो ये मेरा ट्रॉस वन कहाँ पर है अगर हम देखेंगे तो ये पहला वाला और लास्ट वन मेरा ट्रॉस वन है ओके okay. अगर ये डायग्राम हम देखेंगे तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ ये ट्रॉस वन ट्रॉस वन ये पहला वाला और लास्ट वाला ट्रॉस वन है क्योंकि ट्रस वन में आपका फोर नंबर ऑफ कॉलम है उसके बाद इन बिटवीन जितना भी है इसको हम ट्रॉस टू कंसीडर करते हैं उसी हिसाब से ये ट्रस वन में आपका चार कॉलम और ट्रस टू जो होगा यहाँ पे ओनली दो कॉलम ये कॉलम का पूरा यहाँ पे जो फुटिंग होगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो स्टील का सेक्शन होगा उसका यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो डायमेंशन होगा ये डायमेंशन कितना होगा क्या होगा ये पूरा चीज़ यहाँ पे आपका वन बाय वन मेंशन है उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन भी वगैरह मैंसन है उसके बाद उसका जो सेक्शन होगा जैसे कि पहला वाला मैं बोलता हूँ ये वाला ये वाला पार्ट में आपका कौन सा सेक्शन ए का सेक्शन तो ए का जो डिटेल होगा यहाँ पर उसका डिटेल गिवेन है कि यहाँ पे जो आपका नॉट बोल्ट होगा तो कितना एम का का बोल्ट होगा और नॉट बोल्ट का डायमेंशन कितना पोजिशन क्या होगा ये सारे चीज़ यहाँ पर स्टील सेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है ये स्टील सेक्शन को आप, आप फॉलो कर सकते हैं तो ये वीडियो ये मेरा जो कैड का जो फाइल है ये कैड का फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन पे जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं कैड का लोअर वर्सन में उसको मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर में ऑटो ऑटोकट का कोई भी वर्ट्सअप होगा इसको आप इजीली ओपन कर सकते हैं ये स्टिल डिटेल ट्रस्ट टू है उसके बाद यहाँ पे पर्लिन का लेआउट है और ये आपका बॉटम रनर का, का लेआउट है उसके बाद यहाँ पे जो स्लोप होगा रैम्प होगा रैम्प का डिटेल यहाँ पे और यहाँ पर एक आर्थ पीट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है उसके बाद ये फ्लोरिंग का डिटेल है तो ये सारे चीज़ मेरा अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन के हिसाब से मैं किया हूँ तो मेरा जो डिजाइन स्टार्ट का जो डिजाइन फाइल है दिस डिजाइन फाइल उसके बाद ये जो कैड फाइल है इसको मैं मेरा साइट पे अपलोड कर दूंगा कैड को लोअर वर्जन पे और स्टार्ट प्रो को कनेक्ट एडिशन वर्जन पे अपलोड कर दूंगा तो डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन पे जाके इसको इजीली विथ मिनिमम प्राइस के साथ ये आपका डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये मेरा कम्प्लीट डिजाइन था ट्रस्ट का आगे मैं वीडियो अपलोड करूँगा पी स्ट्रक्चर का और अगर कोई स्ट्रक्चर का अगर स्ट्रक्चरल डिजाइन आपको अगर जानना है या कोई भी डिटेलिंग आपको जानना है स्टार्ट को रिलेटेड स्ट्रक्चरल डिजाइन के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए सो so, आज के लिए इतना ही आगे हम पी स्ट्रक्चर को देखेंगे सो थैंक यू सो मच प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच